हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लैरपॉइंट। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि ये है कि कितना टाइम चाहिए होता है क्लैट एलएलएम को क्रैक करने का। अब जैसा आप लोग जानते हैं कि क्लैट एलएलएम का पैटर्न जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है। अब पहले सिर्फ एमसीक्यूज आते थे नॉर्मली, अब कैसे आता है, अब एक पैसेज दे दिया जाता है जो कि बहुत बारी कोई केस लॉ का पैसेज होता है किसी जजमेंट का, ठीक है, और उस पर फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब क्या हो गया, दो चीज़ें हो गई। पहली बात ये कि जजमेंट का पैसेज ज़रूरी नहीं है कि जजमेंट का ही हो, लेकिन अक्सर होता है, ज़्यादातर होता है रादर। और उसके बाद ये कि वो एमसीक्यूज जो उसके नीचे हैं उससे रिलेटेड 10 ऑलमोस्ट वो सॉल्व करने आए। तो और ये जो पैसेजेस हैं ये इक्वली डिवाइड होते हैं, इक्वली नहीं लेकिन डिवाइड होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। ठीक, क्योंकि ये जजमेंट्स पे होता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का वेट है वो काफ़ी होता है इस पेपर में। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि जो ये हम लोग के मेन सब्जेक्ट्स हैं और मेन चीज़ें हैं, जैसे ये रिविजन हो गया, न्यूज़ हो गई, केस लॉ, ज्यूरिसप्रूडेंस, IPR आने लगा है अब, एविडेंस, CRPC, IPC, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें कितने टाइम में होनी चाहिए, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। अगर आपसे कोई बताए कि पता है क्या, 1 साल तो पढ़ा होना ही चाहिए, कुछ लोग तो इतना डरा देते हैं कि अरे अभी तक तो बेसिक्स डेवलप हो जाने चाहिए हैं और अगर बेसिक्स नहीं आते हैं तो ये होगा, और जिनका क्रैक हुआ होता है वो बताते हैं कि वो पैदाइश से कितने अच्छे थे बेसिक्स में। ठीक है, वो उनकी स्टोरी है, आई एम नॉट सेइंग कि वो एक बेस्ट केस सिनेरियो नहीं है, वो बेस्ट केस सिनेरियो है पर हर कोई तो बेस्ट केस सिनेरियो में होता नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ये मान के चलते हैं कि आपको बेसिक एवरेज लॉ आता है, ठीक, आप कोई बहुत सुपर्ब स्टूडेंट नहीं है, आप नॉर्मल एवरेज लॉ स्टूडेंट हैं, आपने LLB किया है या आपने 5th ईयर में है और अब आपको LLM देना है, फ्लैट LLM, तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अब अगर हम लोग बात करें तो यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी होता है, हाँ, लेकिन अगर आप अपने सब्जेक्ट्स को एक तरफ लें, ये ठीक, इसमें और सब्जेक्ट्स भी ऐड करें, ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो अपने लॉ के टिपिकल सब्जेक्ट्स हैं एक तरफ वो रखें और एक तरफ रखें केस, न्यूज़ लॉ, रिविजन को, और दिन भर में आप अपनी प्रिपरेशन को 2 में डिवाइड करें, एक जहां पे आप लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और दूसरा जहां पे आप अपनी रेकरिंग चीजें करेंगे, रेकरिंग चीजें यानी जो रोज करनी है, ठीक है, दोहरानी है बार बार। तो जैसे केस लॉ, आप ये बना के चलिए कि आपको रोज एक केस लॉ ऑन एन एवरेज करना है, हर केस लॉ 100-100 पेजेस के नहीं होते, ऐसे लैंडमार्क केस लॉज भी हैं जो आपके 10 से 20 पेजेस में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो केस लॉ के नाम पे ये सोच के नहीं डरना है कि ये एंडलेस नंबर ऑफ पेजेस है, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा, आपको न्यूज़ रोज़ पढ़नी है, न्यूज़ यानी कि आपकी लीगल न्यूज़ भी आ जाती है इसमें और इसमें जो नॉर्मल करंट न्यूज़ है वो भी आती है, ठीक, पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह नहीं बट नॉर्मल करंट न्यूज़ जो कि कहीं ना कहीं लीगल न्यूज़ से ताल्लुक रखती है। लीगल न्यूज़ सिर्फ वो तो नहीं होती है जो आपके कोर्ट्स में होता है, जो लाइव लॉ या बार एंड बेंच और इस तरह के जो रिपोर्टिंग से, सिर्फ वो नहीं होता है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं किसी भी करंट लीगल सिनेरियो पे, उन आर्टिकल्स को कोट करके भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर आर्टिकल पता होना है, इसका ये मतलब है कि आपको ये पता होना है कि अभी कौन सा टॉपिक, लीगल टॉपिक न्यूज़ में है। फॉर एग्जाम्पल, कल को कोई ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाए ना जाए, उस पर केस हो ना हो, लेकिन वो न्यूज़ में होगा, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस कौन सा है, अगर कोई बहुत मेजर सब्जेक्ट मैटर है तो वो पता होना चाहिए, वरना आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए ऑर्डिनेंस क्या है, किस आर्टिकल में है, गवर्नर देता है, प्रेसिडेंट देता है, 6 महीने का गैप होना है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में है लॉ से रिलेटेड तो उस पर आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते टाइम भी ज़्यादा ध्यान दें। अब आते हैं हम सब्जेक्ट्स पे, तो आपके कुछ सब्जेक्ट्स होंगे
जो स्ट्रांग होंगे, मान लेते हैं आपका आईपीसी स्ट्रांग है, सीआरपीसी स्ट्रांग है और एविडेंस स्ट्रांग है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एवरेज आता है, आईपीआर बिलो एवरेज आता है, ठीक है, ज्यूरिसप्रूडेंस तुक्का लग जाता है सबका, है ना, ज्यूरिस इतना वास्ट है कि सबको लगता है कि ये तो कवर ही नहीं हो सकता, ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, और वो भी वास्ट है। तो अब आप लोग अपने हिसाब से डिवाइड करें हर सब्जेक्ट के लिए अपने टाइम को, और हर सब्जेक्ट को कोशिश करें कि एटलीस्ट एक सैटरडे संडे तो मिल ही जाए, ठीक है, जहाँ पे आप, या कोई छुट्टी, अगर आप कॉलेज में हैं तो कम से कम हर सब्जेक्ट को एक छुट्टी तो दीजिए दीजिए, छुट्टी वाला दिन, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा हो अगर तो भी इसको पढ़ने में टाइम लगता है, बैराग से पढ़ें सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स में। अगर आपको ये लगता है कि अब हम एंड टू एंड एक किताब उठाएंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है, ठीक, पहले आप अपनी बैराग उठाइए और बैराग पढ़िए, एंड ट्रस्ट मी बैराग समझ आती है जब सिर्फ बैराग पढ़ी जाती है। जहाँ पे जो नहीं समझ में आ रहा है आप अपनी बुक्स को रेफर कीजिए, हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पर जो 30 के बाद के सेक्शन हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल नोवेशन क्या है, 62, 63, 64 किस में आता है, ठीक है, तो आपको वहां से बैराग लर्निंग करनी है। ये चीज आपको पता चलेगा जब आप पास्ट ईयर पेपर्स को साथ साथ सॉल्व करेंगे। रोज आप अपना आधा घंटा बना लें, या ये कह दें कि आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस चीज का वेट ना करें कि जिस दिन मेरे सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे कवर उस दिन करेंगे, नहीं, ये वेट नहीं करना है। अगर आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता है तो आप आंसर्स देख देख के सॉल्व कीजिए, मगर पास्ट ईयर पेपर्स को साइमल्टेनियसली करिए, किसी और वक्त के लिए मत रखिए वरना वो छूट जाएगा, और पास्ट ईयर पेपर्स करते में आपको समझ में आएगा कि कैसी तैयारी करनी है, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से हर सब्जेक्ट को डिवाइड करें, जैसे मान लेते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं 1 वीक, ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, आपने 1 वीक रखा। अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ना शुरू किया तो आई वुड सजेस्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन इन पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं पहले उनसे शुरू करें। तो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज इम्पॉर्टेंट हैं, सिर्फ आप ये देख लीजिए कि ड्यूटीज़ हैं क्या क्या, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी DPSP में भी कुछ पर्टिकुलर हैं क्वेश्चंस जो आते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, विलेज पंचायत पे आएगा, गांधीयन प्रिंसिपल्स पे आएगा, ठीक है, उसको देख लें। इन दोनों पे बहुत टाइम नहीं जाना चाहिए, ड्यूटीज और DPSP पे, पर फंडामेंटल राइट्स में बहुत टाइम लगता है। आई वुड सजेस्ट इससे शुरू मत कीजिए, डोंट स्टार्ट विद दिस, स्टार्ट विद योर पॉलिटी। पॉलिटी से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली MCQs, ठीक है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में है नहीं कि चलो राइट टू प्राइवेसी पे लिखो, राइट टू लाइफ पे लिखो, नहीं, इस तरह का तो नहीं है। MCQs पॉलिटी से बहुत बनते हैं, यानी कि आपका प्रेसिडेंट, आपका वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, लास्ट के आर्टिकल्स, आप इनको पढ़िए, आप इनको 2 दिन दीजिए, इनको आप फिर उसके बाद यू कीप 4 डेज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इस तरह से कर करके आप अपने सारे सब्जेक्ट्स में टाइम को डिवाइड कीजिए पर वीक, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। अगर आपको बेसिक आइडिया है तो आपको रफली 4 महीने लगेंगे अपना ये सिलेबस पूरा करने में, अच्छे से पूरा करने में। आई एम नॉट सेइंग कि आपने याद नहीं किया, बैराग उठाइए, बैराग से पढ़िए जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट 30 सेक्शंस कॉन्ट्रैक्ट के इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप फर्स्ट 30 को पढ़ लीजिए बैराग से और बुक से, उसके बाद बुक बंद करिए और बैराग पढ़िए आगे की, उसके बाद फिर जाके सीधा आपको अपनी बुक खोलनी होगी, शायद वो भी ज़रूरी नहीं है, इंडेमनिटी और गारंटी बेलमेंट पे, वो भी बुक की ज़रूरत नहीं होती, इलस्ट्रेशन समझ में आ जाएगा। अगर आप हर सब्जेक्ट को जितना रिक्वायर्ड टाइम है सिर्फ उतना देंगे तो आपका 4 to 5 months में पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। रही बात इसकी केस लॉज, न्यूज़, रिविजन एंड पास्ट ईयर पेपर्स हम यहाँ जोड़ रहे हैं, ये आपको रोज़ करना होगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ही एक केस लॉ कर रहे हैं, किसी किसी दिन एक भी केस लॉ नहीं होगा, किसी दिन आधा होगा, लेकिन किसी दिन 2 केस लॉज भी होंगे, तो एवरेज पे 1 केस लॉ रखना है। न्यूज़ रोज़ की रोज़ पढ़िए और रिविजन करिए,
जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक, आपने एक दिन पहले फर्स्ट 15 सेक्शंस पढ़ लिए थे, आज 16 से पढ़ना है, जल्दी से स्किम थ्रू करिए फर्स्ट 15, ठीक है। फिर आपने 16 to 30 पढ़ लिया, उसके बाद आप जब 31 पढ़ेंगे तो जल्दी से आप 1 to 30 को रिवाइज करिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया करते कराते, फिर आप कॉन्स्टी पे आए। कॉन्स्टी उठाने से पहले या कॉन्स्टी उठाने के बाद, आई थिंक पहले करें तो बेहतर होगा, हाफ एन आवर दीजिए एंड यू हैव टू जस्ट स्किम थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बेर एक्ट, ठीक है। इस तरह से आप रिविजन साथ 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 करेंगे, रोज आधा घंटा, एक घंटा, आधा घंटा, एक घंटा, अगर रिविजन होता रहेगा तो आपकी चीजें पुरानी वाली भी याद होती रहेंगी, पक्की होती रहेंगी। एंड इन 4 months यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस यू नो डिसेंटली। और बात ये नहीं होती है पेपर देते टाइम कि आपको आता कितना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पेपर में सब कुछ आ रहा होता है पर वो कर नहीं पाते हैं। बात यह है कि आप कितना कॉन्फिडेंस और कंपोजर रखते हैं जिस टाइम पे पेपर आपके सामने हो। अगर आपको हर आंसर नहीं आता तो भी आप अपनी अपनी जो LLB की सारी टीचिंग्स हैं उनको ले के पेपर करिए। सिर्फ उन 4 महीनों के बेसिस पे पेपर नहीं होता है, अपनी अकल इन जनरल, रीजनेबलनेस इन जनरल, आपका जो लीगल एप्टीट्यूड डेवलप हुआ है उससे करते हुए आप पेपर देंगे। ये सारा जो पढ़ा है उसको याद करके देंगे तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा इन 4 to 5 months की प्रिपरेशन ऑफ ये क्लैट LLM, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स बहुत बड़े हैं या आपके बहुत वीक सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से IPR है, आपको स्क्रैच से नहीं आता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक, लीव इट फॉर टाइम बीइंग, आप उससे शुरू मत करिए। जो नहीं आता है उससे शुरू मत करें, कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू ना करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आप पहला सब्जेक्ट लेंगे ना उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे भी टाइम लगेगा, तो क्या होगा कि आप फॉर अ मंथ आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन करते रह जाएंगे। तो ऐसा मत करिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ उठा लीजिए, IPC अच्छा लगता है IPC उठा लीजिए, ठीक है। IPC में भी बीच बीच के सेक्शंस हैं जो जिनसे बहुत कम सवाल आते हैं, तो प्रॉबेबली पहली बार में सिर्फ आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़िए और बीच के स्किप कर दीजिए और उसके बाद दोबारा फिर पढ़िए और सारा यू नो A to Z कवर करिए उसके बाद, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 2 बार पढ़नी है, जो सिर्फ बाकी की हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको स्किम थ्रू कर लिया एक बार में। जैसे IPC में इलेक्शन लॉ के बहुत सारे सेक्शंस हैं तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम देयर, बट या स्किम थ्रू, पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर है, ठीक। सो दैट विल बी इट। IPR नहीं आता है या मान लेते हैं आपको इंटरनेशनल लॉ बहुत अच्छे से नहीं आता है, उस पर टाइम ना वेस्ट करिए, अभी के लिए छोड़ दीजिए, बाकी के पेपर्स करिए। बाद में आप 2 दिन 3 दिन इनको अलॉट करिए और ये सोचिए कि इसमें जितना होगा हम मैक्सिमम करेंगे एंड आई लीव, बजाय इसके कि जो आपको आता है आप उसको खराब कर दें इस चक्कर में। अगर आप नए नए सब्जेक्ट्स में एप्टीट्यूड डेवलप करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, अगर आपके पास है उस तरह का टाइम गो अहेड, बट अगर नहीं है देन योर बेस्ट बेट आर द सब्जेक्ट्स विच यू ऑलरेडी नो एंड द रीसेंट केस लॉज, ठीक है, नॉट जस्ट रीसेंट केस लॉज, ओके। सो दैट वुड बी ऑल, दिस इज हाउ मच यू नो यू कैन प्रिपेयर इन 4 to 5 months। इस तरह का आप शेड्यूल रख सकते हैं अपना, दिन को डिवाइड करिए, सब्जेक्ट्स को डिवाइड करिए हफ्तों में और ये फिगर आउट करिए कि आपको कितना टाइम किस चीज़ को देना है। जो चीज़ें रोज़ की हैं गो फॉर देम डेली, डोंट यू नो कलेक्ट देम कि ये तो बाद में करेंगे, बाद तो कभी नहीं आता। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। Thank you.